स्टार्ट द मूवी। इस कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस एरिया से, जहां पर हम देखते हैं कि यूएस आर्मी बेस्ड है अफगानिस्तान के प्रोविंस एरिया में और वो इंतजार कर रहे होते हैं एक आर्म्स डीलर का। और वहीं पर एंट्री होती है हमारे प्यारे जीनियस बिलियनियर आर्म्स डीलर टोनी स्टार्क की, और वो एक बख्तरबंद गाड़ी में कुछ सैनिकों के साथ में उन यूएस आर्मी के लोगों के पास में जा रहे होते हैं। और जब वो उनके पास में पहुंचते हैं तो वहां पर एक शोडाउन होता है एक बहुत ही बड़ी मिसाइल का, जहां पर हमें पता लगता है कि टोनी स्टार्क जो कि एक आर्म डीलर है, उन्होंने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम होता है जेरिको। और जेरिको मिसाइल पूरी वर्ल्ड की एक ऐसी मिसाइल होती है जो किसी भी देश को चुटकियों में तबाह कर सकती होती है। और वहां पर टोनी स्टार्क उस जेरिको मिसाइल का एक छोटा सा नमूना भी दिखाते हैं। और वहीं पर इस पूरी यानी कि आयरन मैन सीरीज का सबसे लेजेंडरी सीन हमारे सामने आता है जब उस जेरिको मिसाइल की लहरें आयरन मैन तक टकराती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि आयरन मैन अपने मोबाइल में एक किसी और आदमी के साथ बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि ये डील हमें मिलीनियर से बिलीनियर बना देगी। और वहीं पर वो फोन रखता है और फिर से डील को कंप्लीट करके अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आतंकियों का हमला होता है उनकी गाड़ियों पर, और साथ ही उस तोप से वो कई सारी गाड़ियों को उड़ा देते हैं। वहाँ पर मौजूद सैनिक टोनी स्टार्क की मदद करते हैं लेकिन उन सभी पर वो आतंकवादी गोलियां मारकर उन्हें जख्मी कर देते हैं। टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन्हीं के पास में उन्हीं की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक बम आकर गिरता है। उसे बचने के लिए वो वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बम वहीं पर फट जाता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब यहां पर कहानी का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। कहानी यहां से पहुंचती है आज से 36 घंटे पहले यानी कि डेढ़ दिन पहले। वहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को नॉमिनेट किया जाता है आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर का। जब टोनी स्टार्क छोटे थे तब उनके पिता हॉवर्ड स्टार्क ने अपने एक फ्रेंड जिसका नाम होता है ओबेडिया स्टेन उसके साथ में मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज नींव रखी थी, जहां पर वो आर्म्स डीलिंग और बहुत ही नए नए आविष्कार किया करते थे जनता की भलाई के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर टोनी स्टार्क मौजूद नहीं होते हैं और उनकी मौजूदगी में नहीं होने पर ओबेडिया स्टेन वहां पर टोनी स्टार्क का इनाम ले लेते हैं। और साथ ही वहां पर एक और नए कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम होता है जेम्स रोड। ये जेम्स रोड वही है जो हर बार टोनी स्टार्क के साथ में रहता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है टोनी स्टार्क की तरफ जो कि एक बड़े कैसीनो में जुआ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर जेम्स रूट आता है और उसे उसका इनाम देता है। तब टोनी स्टार्क उस इनाम को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास घर में जगह ही नहीं है इन इनामों को रखने की। और वहाँ मौजूद कुछ एक्टर्स को वो इनाम वहीं पर देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टीन एवरहार्ट, और वो आकर टोनी स्टार्क से उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जो आप व्यापार करते हैं बंदूकों के लेन देन का, ये इस पूरी दुनिया के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन तब वहाँ पर टोनी स्टार्क कहता है कि एक न एक दिन तो ऐसा होगा जब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और जब हमारे पास में बंदूकें और हथियार ही नहीं होंगे तो हम अपने लोगों की सहायता कैसे कर पाएंगे। और इन्हीं बातों के चलते उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और टोनी स्टार्क क्रिस्टीन को अपने घर ले जाता है जो कि होता है मालिबू कैलिफोर्निया में। वहां पर दोनों एक रात बिताते हैं और जब टोनी स्टार्क की नींद खुलती है तब वहां पर उसकी पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम होता है पेपर पॉट्स वहां पर आती है और टोनी स्टार्क को बताती है कि सर आज आपकी बहुत ही बड़ी डील है अफगानिस्तान में, साथ ही आपका पर्सनल प्राइवेट जेट भी आपका इंतजार कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए और फटाफट से अपने अफगानिस्तान की डील के लिए रेडी हो जाइए। और उसके बाद में टोनी स्टार्क अपनी फेमस ऑडी R8 के अंदर बैठकर अपने प्राइवेट जेट की ओर निकलता है। और गाइस बिलीव मी, जब मैं 8th क्लास में था 2008 के अंदर जब ये मूवी आई थी तब मैंने फर्स्ट टाइम ऑडी R8 को देखा था और मैं तब से इस कार का फैन हूँ, ये मेरी ड्रीम कार है। जो से बात चलिए वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जब टोनी स्टार्क अपने प्राइवेट प्लेन के पास पहुंचता है तो वहां उसका स्वागत उसका खास फ्रेंड जेम्स रोड करता है और दोनों वहां से अफगानिस्तान की डीलिंग के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और अब हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क काफी बुरी तरीके से घायल है और साथ ही उसके सीने से कुछ तार जुड़े हुए हैं जो कि एक बैटरी से लगे हुए हैं और साथ ही अब वो बैटरी ही उस टोनी स्टार्क के शरीर को पावर दे रही होती है। तब वहां पर टोनी स्टार्क हैरानी से उठता है और पास ही खड़े एक आदमी जिसका नाम होता है येंसन उससे पूछता है कि आखिर यहां पर हुआ क्या था। तब येंसन बताता है कि एक बम विस्फोट के अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर उस बम के काफी सारे चर्रे घुस गए थे, इसी की वजह से उन चर्रों को निकाल पाना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने इस बैटरी के साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जो कि उन चर्रों को तुम्हारे दिल के करीब पहुंचने में रोकने में मदद करेगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर निकाला जाएगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसी वक्त वहां पर उन आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है, हालांकि दिखने में तो वो एक आलू बुखारा था लेकिन वहां पर जब उसकी एंट्री होती है तो टोनी स्टार्क से कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम हमें
सेम टू सेम वैसी जेरिको मिसाइल बना कर दोगे, क्योंकि हमें वो जेरिको मिसाइल चाहिए यूएस पर हमला करने के लिए। लेकिन टोनी स्टार्क उसे मना कर देता है और कहता है कि ये जेरिको मिसाइल तुम जैसे लोगों और आतंकवादियों के लिए मैं नहीं बनाऊंगा। तब वहां पर वो आलू बुखारा टोनी स्टार्क को बाहर लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि हमारे पास में तुम्हारी कंपनी के बनाए गए सारे हथियार मौजूद हैं। जिन हथियारों को तुम इस यूएस आर्मी और बाकी लोगों में बेचते हो वो सभी आकर हमें काफी महंगे दामों में बेच कर जाते हैं, और अब हमें ही उस जेरिको मिसाइल का असली नमूना चाहिए, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस जेरिको मिसाइल का एक दूसरा नमूना हमें बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। टोनी फिर से अपनी गुफा में आता है और येनसन से बात करने लगता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। तब येनसन बताता है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। जेम्स रोड जो कि तुम्हारी आर्मी थी वो भी तुम्हें अगर ढूंढे तब भी वो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये काफी छुपा हुआ इलाका है और जिसका नेतृत्व कर रहा है टेन रिंग्स। अब टेन रिंग्स यहाँ पर कौन है इसका खुलासा मैं आगे आपको इस कहानी में करूंगा। तब वहाँ पर टोनी स्टार्क येनसन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तब वहाँ पर येनसन टोनी स्टार्क को बताता है कि मेरी फैमिली में मेरी एक बीवी और मेरा एक बच्चा है, मैं भी तुम्हारी तरह एक फिजिसिस्ट हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह काफी आविष्कार करना जानता हूँ। तब वहाँ पर टोनी कहता है कि मेरी फैमिली में वैसे कुछ खास लोग तो नहीं है, लेकिन मेरा ड्राइवर और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी एक तरीके से मेरी फैमिली है, और जितना जल्दी हो सके मुझे उनके पास में जाना है। तब येनसन टोनी स्टार्क को एक प्लान बताता है, वो उसे कहता है कि हमारे पास में यहाँ से बाहर निकलने का एक आइडिया है, अगर हम एक ऐसा सूट बना ले जिन पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता तो इस सूट की मदद से हम इस गुफा से बाहर निकल पाएंगे और फिर से अपने परिवार से मिल पाएंगे। इस बात पर टोनी एग्री करता है और सूट पर काम करना शुरू कर देता है। वहाँ उस गुफा में मौजूद सभी मिसाइल्स में से टोनी स्टार्क एक पैलेडियम नाम का एक तत्व निकालता है जो कि बहुत ही खास होता है आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए। अब मैं गाइस आपको बता देता हूँ कि आर्क रिएक्टर क्या होता है। टोनी स्टार्क की बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कार की बैटरी लगाई गई थी उसकी पावर इतनी नहीं थी कि वो उसे ज्यादा दिन तक संभाल पाए। एक आर्क रिएक्टर ही एक ऐसी पावरफुल मशीन होती है जो किसी भी चीज को यानी कि किसी भी मैकेनिकल चीज को काफी ज्यादा समय तक पावर देने की काबिलियत रखती है, और इसी की वजह से अब टोनी स्टार्क एक आर्क रिएक्टर को बनाने में काम में जुट जाता है। जब वो उन मिसाइल्स को खोलता है तो उनमें से उसे 1.5 ग्राम पैलेडियम मिलता है, लेकिन टोनी स्टार्क कहता है येनसन को कि हमें इस पूरे आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए 1.6 ग्राम की जरूरत है, हमें कुछ और मिसाइल्स की भी जरूरत पड़ेगी। जब येनसन जाके आलू बुखारे को कहता है हमें कुछ और भी सामानों की जरूरत है, तब वो कहता है कि तुम्हारी जरूरत के सभी सामान तुम्हें मिल जाएंगे, और वो वहाँ पर उन्हें कई सारे सामान उपलब्ध भी करवा देता है। उनकी मदद से वहाँ पर टोनी स्टार्क काफी मेहनत करके अपने जीनियस माइंड के साथ में एक परफेक्ट आर्क रिएक्टर बना लेता है। इस बात का पता हालांकि टेन रिंग्स को लगता रहता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लोग बना क्या रहे हैं। वहाँ पर टोनी स्टार्क एक ब्लूप्रिंट में येनसन को दिखाता है कि हमारा असली मकसद इस सूट को पावर देना ही है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो उस पूरे सूट को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इस बात का पता टेन रिंग्स को लग ही जाता है। और टेन रिंग्स जब टोनी स्टार्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब वहाँ पर येनसन कहता है कि मैं आगे जाकर इन लोगों को रोकता हूँ, तब तक तुम अपने सूट की डाउनलोडिंग यानी कि फुल पावर कंप्लीट कर लो और तुम्हें इसमें कुछ समय भी मिल जाएगा। और इसी बीच में येनसन को टेन रिंग्स के लोग गोली मारकर वहाँ पर घायल कर देते हैं। इस बात से टोनी काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है, और जब वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद काफी सारे हथियार हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के ही दिए हुए हैं, तो वो उन्हें जलाकर वहाँ से अपने रॉकेट लॉन्चर को स्टार्ट कर देता है और एक बूस्ट मारकर वहाँ से काफी ऊंची उड़ान भरता है और एक रेगिस्तान में जाकर गिर जाता है। रेगिस्तान में गिरने की वजह से टोनी का जो सूट होता है जिसे उसने मार्क वन नाम दिया होता है वो वहीं पर टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है, और वहाँ से टोनी स्टार्क अपने आप को बचाकर रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन क्योंकि हमें ये पता था कि जब तक टोनी स्टार्क उन पहाड़ियों में होता है जेम्स रोड उसे कभी नहीं ढूंढ सकता था, और जब वो खुले रेगिस्तान में आ जाता है तब जेम्स रोड और उसकी पूरी टीम वहाँ से टोनी स्टार्क को रेस्क्यू करके कैलिफोर्निया में मालिबू में पहुंचा देती है। मालिबू पहुंचते ही सबसे पहले टोनी स्टार्क अपने खास बॉडीगार्ड जिसका नाम होता है हैप्पी होगन उसे कहता है कि फटाफट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करो, मुझे कुछ इंटरव्यू देना है, और उसी के साथ ही वहाँ पर हैप्पी होगन एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है। जब टोनी वहाँ पर पहुंचता है तो उसके एक पापा के जो खास दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है ओबिडाई स्टैन, वो भी वहाँ पर टोनी स्टार्क का स्वागत करते हैं। जब टोनी अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आता है तब वहाँ पर सभी लोग टोनी से काफी सारे सवाल पूछने के लिए रेडी रहते हैं, उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में आपके साथ हुआ क्या और आप वहाँ से बचकर कैसे निकले। लेकिन वहाँ पर इस कहानी का बहुत ही हार्ट टचिंग सीन हमें दिखाई पड़ता है। वहाँ पर टोनी सभी से कहता है कि मैं भी नीचे बैठ रहा हूँ और आप सभी भी नीचे बैठ जाइए, ये इंटरव्यू जो है यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है मैं इस तरीके से ही बैठ कर देना चाहता हूँ। तब वहाँ पर टोनी कहता है कि मेरी ही इंडस्ट्री जो कि आर्म्स डीलिंग करती है बड़े बड़े हथियार बनाती है वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने मुझे पकड़ लिया था और साथ ही मेरे ही बनाए गए हथियारों से मुझ पर हमला भी किया था, और अब मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। वहाँ पर टोनी स्टार्क पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये बताता है कि अब मैं अपनी इंडस्ट्री में जो भी आर्म्स डीलिंग का काम होता है उसे बंद करने वाला हूँ, यानी कि अब जो मैं हथियार बनाया करता था अब वो सारे हथियार बनाना बंद कर रहा हूँ।
उस बात को संभालने के लिए ओबेडाई वहाँ पर बीच में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुए हमले की वजह से टोनी को सदमा लगा है और इसी की वजह से वो बैकी बैकी बातें कर रहा है। मैं टोनी को समझाऊंगा और हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। और टोनी के पास जाकर उससे बात करता है और पूछता है कि आखिर अफगानिस्तान में तुम्हारे साथ हुआ क्या और वहां से तुम कैसे बचकर निकले। तब टोनी ओबेडाई को बताता है कि मेरे ऊपर कई सारे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और साथ ही मुझे जेरिको मिसाइल बनाने का नमूना तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन वहां से मैं एक आयरन सूट बनाकर वहां से भाग गया और उस आयरन सूट को एनर्जी देने के लिए मैंने एक आर्क रिएक्टर का भी निर्माण किया। क्या तुम देखना चाहते हो कि वो कैसा दिखता है? तब वहां पर ओबेडाई कहता है कि हाँ मुझे जरूर देखना है। तब वहां पर टोनी स्टार्क अपना शर्ट खोलता है और उसे चुपके से उस छोटे से बनाए गए आविष्कार यानी कि आर्क रिएक्टर को दिखाता है। तब वहां पर ओबेडाई कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार खोज है, हमें इस खोज को पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन तब टोनी से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब क्योंकि टोनी एक बहुत ही ज्यादा जीनियस और एक बिलीनियर इंसान होता है, इसलिए वो अपने बनाए गए पुराने आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और एक नया आर्क रिएक्टर बना ही देता है और उसे अपनी बॉडी में फिट करने के लिए पेपर पॉट्स को बुलाता है और वो पेपर पॉट से कहता है कि तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना, इस पुराने आर्क रिएक्टर को निकालना है और जो मैंने नया आर्क रिएक्टर बनाया है इसे मेरी बॉडी के अंदर फिट कर देना है। तब वहाँ पर पेपर पॉट्स कहती है कि आखिर ये चीज है क्या। तब वहाँ पर टोनी पॉट्स को बताता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लोहे के छर्रे घुस गए हैं जो कि मेरे दिल के करीब तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये आर्क रिएक्टर उन्हें पहुंचने से रोकता है और साथ ही मुझे अपनी बॉडी के अंदर न्यू पावर भी जनरेट करके देता है। वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि टेन रिंग्स को उस रेगिस्तान के अंदर टूटा हुआ मार्क वन मिल जाता है और वो उसके टूटे हुए सभी पुर्जों को जोड़कर फिर से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपने घर के बेसमेंट में एक और नए सूट पर काम शुरू कर देता है जिसका वो नाम देता है मार्क टू। सबसे पहले तो टोनी स्टार्क अपने जूतों पर काम करता है ताकि वो अच्छे तरीके से उड़ पाए। वो ऐसे सिलेंड्रिकल रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है जो कि इंसान को पूरी तरीके से हवा में उड़ाने के लिए सक्षम थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी 10% यूज करने की कोशिश करता है स्टार्टिंग में उन जूतों को चेक करने के लिए, लेकिन 10% की शक्ति भी इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे आसमान में उड़ाकर गिरा देती है। फिर टोनी उन जूतों पर काफी अच्छा काम करता है और साथ ही उन्हें अच्छी तरीके से बनाकर फिर 1% की पावर से उन जूतों को फिर से यूज करता है। अब जाकर टोनी को उन जूतों के अंदर कामयाबी हासिल हो जाती है और इसी के साथ ही वो अपना मार्क टू आयरन मैन सूट भी कंप्लीट कर लेता है और सूट की चेकिंग करने के लिए वो वहां से उड़ जाता है और आसमान में पहुंच जाता है। क्योंकि अब उसे मार्क टू की शक्ति का और भी ज्यादा अनुमान लगाना होता है तो वो अपने कंप्यूटर जिसका नाम होता है जेविस उसे कहता है कि इस पूरे सूट के अंदर फुल पावर जनरेट कर दो, मुझे जितना ऊंचा हो सके उतनी ऊंचाई पर जाना है। और जब टोनी स्टार्क आसमान में 81,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसका सूट ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, उसके सूट के ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाती है और इसी के साथ ही उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है जिसकी वजह से टोनी जमीन की ओर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी टोनी अपने कंप्यूटर को फिर से शुरू करने के आदेश देता है और थोड़ी ही देर में जेविस फिर से स्टार्ट हो जाता है और आयरन मैन यानी कि जो मार्क टू सूट होता है उसके अंदर से फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और वहां से टोनी अपनी जान बचाकर फिर से अपने घर में आ जाता है। जब वो अपने घर में आता है तब उसे पता चलता है कि जो पहला आर्क रिएक्टर जिसे पेपर पॉट्स ने अपने हाथों से निकाला था, अब पेपर पॉट्स उसे ठीक से डेकोरेट करके उस पर लिखकर आयरन मैन हैज अ हार्ट एक गिफ्ट बनाकर आयरन मैन की टेबल पर रख देती है। और जब टोनी आता है और टेबल पर उस आर्क रिएक्टर को देखता है तो उसे देखकर उसे काफी खुशी होती है। अब टोनी को ये पता चल गया होता है कि ज्यादा ऊंचाई पर जब बर्फ जम जाती है तो ये सूट काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी मेटालिक डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। तभी वो उसके अंदर टाइटेनियम और गोल्ड की धातु का यूज करता है ताकि वो उसकी पूरी मेटालिक डिजाइन को चेंज कर सके और जब भी सूट ज्यादा ऊंचाई पर भी जाए तभी भी इसके अंदर बर्फ ना जमे। वहीं टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है, ओबेडाई स्टेन ने अपनी एक बहुत ही शानदार पार्टी कैलिफोर्निया में दी है और वहां पर टोनी स्टार्क को आमंत्रित यानी कि इनवाइट नहीं किया गया है। जब टोनी को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी फिर से ऑडी लेकर उस पार्टी के अंदर आ जाता है और वहां पर उसे पेपर पॉट्स भी मिलती है। वो दोनों अपने कुछ खास पल वहां पर बिताते हैं, आपस में डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर क्रिस्टीन एवरहार्ट आ जाती है और टोनी स्टार्क को बताती है कि जिस जेरिको मिसाइल को तुमने यूएस आर्मी यानी कि अफगानिस्तान के अंदर बेचा था, अब ऐसे कई सारी मिसाइल्स अफगानिस्तान के एक और गुलबीरा नाम के गाँव के अंदर उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इस बात से टोनी को काफी गुस्सा आता है और अब उसे पता चल गया होता है कि अगर मैंने गुलबीरा के अंदर उन रॉकेट यानी कि उन जेरिको मिसाइल्स को नहीं बेचा तो किसने बेचा हो सकता है। उसका सीधा शक जाता है ओबेडाई स्टेन पर और वो जाकर ओबेडाई से पूछता है कि आखिर तुमने वो जेरिको मिसाइल्स उन अफगानिस्तानियों यानी कि उन अलगाववादियों को क्यों भेजी। तब वहाँ पर ओबेडाई कहता है कि बेटा ये बिजनेस है और बिजनेस के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। टोनी इस बात को सहन नहीं कर पाता और वो गुस्से में अपने घर पर आता है और जब वो घर पर आता है तो टीवी में उसे एक और न्यूज पता चलती है कि गुलमीरा नाम के गाँव यानी कि जो अफगानिस्तान में है वहाँ पर कई सारे आतंकवादी उस गांव के आदमियों को इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही औरतों और बच्चों को जान से मार रहे हैं। इस बात से टोनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने
मार्क टू पर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगता है, उसे और भी ज्यादा अपने वेपन्स के साथ में एनहांस करने लगता है। और एक ऐसा पल आता है जब वो कम्प्लीटली अपने मार्क थ्री को बना लेता है, जिसके अंदर कई सारी एबिलिटीज होती है, और उसी के साथ में वो उड़ता हुआ पहुंचता है अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में, और वहां पर पहुंचकर वो सभी आतंकवादियों की चटनी बना लेता है। और वो जो आलू बुखारा होता है उसका आलू अलग और बुखारा अलग करके उसकी पिटाई करके वहां से निकलने के बाद टोली को पता चलता है कि अभी भी मिसाइल्स उनके खेमे में है, और वो एक छोटे से रॉकेट लॉन्चर को उन पूरी बड़ी मिसाइल्स पर छोड़ देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके का पता एडवर्ड एयरफोर्स को पता चल जाता है अपने सैटेलाइट की मदद से, और वो इस धमाके को अपने अनुसार ज्ञात लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस विमान ने यहाँ पर धमाका किया है। और उन्हें पता चलता है कि शायद ही कोई एक छोटा सा विमान है जो कि हमारे एरिया में घुस आया है और साथ ही यहाँ पर बमबारी कर रहा है। वहाँ के एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं वो उस अज्ञात विमान को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं होता, वो होता है आयरन मैन, और उसका साइज काफी छोटा होता है। इसकी वजह से वो लोग आयरन मैन को पकड़ने के अंदर असफल होते हैं। तभी वहां पर आयरन मैन अपने दोस्त जेम्स रोड्स को फोन लगाता है और उसे कहता है कि वो विमान और कोई नहीं, वो मैं खुद हूँ। अब तुम अपने दोस्तों को यहाँ से हटाओ और मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। तब वहाँ पर जेम्स उन पायलट्स को कहता है कि जरूर वो भी दुश्मन के दुश्मन का जहाज होगा जिसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया होगा, हमें इस बात में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर से अपने जहाजों को वापस ले आओ। अफगानिस्तान में गुलमीरा पर हुए अटैक्स को रिपोर्टर टीवी पर दिखाने लगते हैं, और साथ ही जेम्स रोड्स से क्वेश्चन आंसरिंग होती है कि आखिर वहाँ अफगानिस्तान में ये विस्फोट किसने किए। तब वहाँ पर जेम्स रोड बताता है कि ये दुश्मन के दुश्मनों की प्लानिंग होगी, जिसकी वजह से उन्होंने आपस में ही एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिराकर हमला कर दिया। और जब ये टीवी की न्यूज ओबेडाय स्टेन पता लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि हमारा कोई एक दुश्मन है जो अब हमसे लड़ने के लिए तैयार है, और अब वो जाकर मिलता है टेंडिंग से और उसे कहता है कि आखिर वो कौन था कि यहाँ पर तबाही मचाई। तब वहाँ पर टेंडिंग ओबेडाय को कहता है कि वो टोनी स्टार्क ही था, उसके पास में एक आयरन मैन सूट है जिसकी मदद से यहाँ पर उसने तबाही मचाई और अब वो तुम्हें भी मारने वाला है, और अब अगर तुम उससे अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास में उसका एक सलूशन है। जो उसने पहला मार्क वन सूट बनाया था उसके कई सारे टुकड़े अब मुझे मिल गए हैं, अगर तुम मुझे मोटी रकम दो तो मैं इस सूट का डिजाइन तुम्हें दे सकता हूँ ताकि तुम आयरन मैन से अपनी जान को बचा पाओ। लेकिन वहाँ पर ओबेडाय यानी कि टेबलो मास्टर धोखा दे देता है टेंडिंग्स को और वहां से उस पूरे मार्क वन सूट को चुरा कर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब टोनी स्टार्क को पता चल चुका होता है कि इन सभी आतंकवादी गतिविधियों के पीछे ओबेडाय स्टेन का हाथ होता है, और वो पेपर पॉट से आके कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। ओबेडाय के पास में जाकर उसके कंप्यूटर में से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजों को निकाल कर, क्योंकि अब अगर उसके पास में इस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रही तो वो इन सभी जानकारियों को आतंकवादियों में बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाने के लिए इस पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। तब वहां पर पेपर पॉट टोनी की बात मानती है और पहुंच जाती है ओबेडाय स्टेन के ऑफिस में। जब वहां पर कोई भी नहीं होता तो वो उसके कंप्यूटर को स्टार्ट करके एक पेन ड्राइव उसमें लगा देती है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जमा करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक फाइल वहां पर और मिलती है जिसके अंदर उसे ये पता चलता है कि ओबेडाय स्टेन ने ही उन आतंकवादियों के आदेश दिया था कि वो टोनी स्टार को उसके रास्ते से हटा दे। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां से लेकर निकल ही रही होती है तभी वहां पर ओबेडाय यानी कि हमारे टेक्नो मास्टर आ जाते हैं और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बातों ही बातों में वहां से पेपर पॉट उसे उलझा कर निकल जाती है। और जब टेक्नो मास्टर अपना कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वहां से पेपर पॉट उसके कंप्यूटर में से सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर जा चुकी है। और तब हम वहां पर एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम होता है फील कॉल्सन। फील कॉल्सन एक तरीके से शील्ड का ही एक एजेंट होता है। जब पेपर पॉट वहां से निकल रही होती है तब वहां पर फील कॉल्सन आकर पेपर पॉट से कहता है कि हमें आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार का एक इंटरव्यू अपॉइंट करना है, तो क्या आप हमें इसमें मदद करेंगी। अब क्योंकि पेपर पॉट्स को पता था कि ओबेडाय उस पर नजर रख रहा है और वहां से वो उसे नहीं निकलने देगा, तो वो फील कॉल्सन की मदद लेती है और उसे कहती है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगी इंटरव्यू अपॉइंट करने के लिए, अब फटाफट से मुझे यहां से लेकर निकलिए। वहीं दूसरी तरफ अब ओबेडाय के ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि उसे अब ये पता था कि थोड़ी ही देर में यहां पर टोनी स्टार्क आ जाएगा और उसके सभी रास्ते पर्दाफाश हो जाएगा। तो वो अपने साइंटिस्टों से जाकर मिलता है और उन्हें पूछता है कि जिस आर्क रिएक्टर पर आप लोग काम कर रहे हैं क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तब हमें वहां पर दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा आर्क रिएक्टर जिसका साइज होता है एक कमरे के जितना, लेकिन वहां पर सभी साइंटिस्ट आकर ओबेडाय से कहते हैं कि नहीं सर अभी तक हमारा आर्क रिएक्टर पूरा नहीं हुआ है। ओबेडाय उनसे कहता है कि टोनी ने वो आर्क रिएक्टर एक गुफा में बैठकर बनाया था। तब वहां पर साइंटिस्ट कहते हैं कि सर हम टोनी स्टार्क नहीं है, हमसे जितना हो पाएगा हम सारा काम जरूर करेंगे। लेकिन इस बात से ओबेडाय काफी निराश होता है और वो गाड़ी लेकर सीधा पहुंचता है मलिबू में टोनी स्टार्क के घर पर, और जब टोनी से मिलता है तब वो वही अपना सीक्रेट वेपन चालू कर देता है जिसकी वेव्स की वजह से वहाँ पर टोनी स्टार्क 15 मिनट के लिए अपना सुदबोध खो बैठता है, और उसी की मदद लेकर वहाँ पर ओबेडाय उसके सीने से वो आर्क रिएक्टर निकालकर वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि टोनी स्टार्क के सीने के अंदर आर्क रिएक्टर नहीं होता तो वो धीरे धीरे मरने लगता है, लेकिन जब उसे याद आता है कि पेपर पॉट्स ने उसे गिफ्ट रैप के अंदर एक और उसका पुराना आर्क रिएक्टर दिया होता है तो वो उसकी मदद से फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर देता है और ओबेडाय को मारने के लिए
वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि ओबेडिया के पास में उस मार्क वन सूट का पूरा डिजाइन होता है, तो वो उस सूट के डिजाइन की मदद से एक और बड़ा आयरन मैन सूट बना देता है, जिसको वो नाम देता है आयरन मॉन्गर। और वो साइज में काफी बड़ा होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है उस बिजली की, यानी कि आर्क रिएक्टर की। और जब ओबेडिया उस आर्क रिएक्टर को उस आयरन मॉन्गर में डालता है तो वो पूरी तरीके से शुरू हो जाता है और उसमें सारी ताकतें आ जाती है। जब आयरन मैन वहां पर आयरन मॉन्गर को रोकने के लिए पहुंचता है तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही घमासान और एक कूल फाइट हमें देखने को मिलती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर काफी वार करते हैं और एक दूसरे को काफी उठा पटक करते रहते हैं, और साथ ही उनकी उठा पटक वहां पर रोड पर भी आ जाती है। वहां के सभी लोग उन दोनों को लड़ते हुए देख लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि सूट के अंदर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते टोनी को ये पता चल चुका होता है कि आयरन मॉन्गर के अंदर काफी ज्यादा शक्ति है और वो उसे नॉर्मली लड़ने से नहीं हरा पाएगा, उसे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। तभी उसे याद आता है कि आसमान की ऊंचाइयों में जब ठंड बढ़ जाती है तो सूट काम नहीं करता, और वो आयरन मॉन्गर अपना पीछा करने के लिए ललकारता है और आयरन मैन ऊपर हवा में उड़ने लगता है। जब वहाँ पर आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करने के लिए आसमान में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, तब वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं 91,000 फीट की ऊंचाई पर। और सेम आयरन मॉन्गर के साथ भी वैसा होता है, उसके सूट पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है और वो भी नाकाम होकर जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में आयरन मॉन्गर फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आप को बैलेंस करके आयरन मैन पर एक बहुत ही जोरदार वार करता है, जिससे वो दोनों ही आपस में गिरते हैं उसी आर्क रिएक्टर वाली लैब की छत पर। तभी टोनी पेपर पॉट्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि इस लैब के आर्क रिएक्टर को फुल पावर के साथ में ऑन कर दो, जिसकी वजह से मैं तो वहां से भाग जाऊंगा और इसका पूरा असर ओबेडिया की इस आयरन मॉन्गर पर पड़ जाएगा। ये बात सुनकर पेपर पॉट्स वहां से उस आर्क रिएक्टर को शुरू करने के लिए भागती है और उसे फुल पावर में स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी बड़ी वेव्स निकलती है, वो उस दूसरे आर्क रिएक्टर की पकड़ में आ जाती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहां पर मर जाता है। और इसी के साथ ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयरन मैन को बुलाया जाता है ये सवाल पूछने के लिए कि आखिर कल जो लड़ाई चल रही थी, जो सूट पहनकर वो लोग लड़ रहे थे, क्या वो आप ही हो या नहीं। तब वहाँ पर शील्ड का वही एजेंट यानी कि फिल कॉल्सन आकर कुछ स्क्रिप्ट देता है टोनी स्टार्क और कहता है कि आपको जो हमने स्क्रिप्ट दी है आपको सिर्फ और सिर्फ वही बोलना है। आपको बोलना है कि ओबेडिया एक हवाई हादसे में मारे गए और साथ ही वो जो सूट था उसके अंदर आपका बॉडीगार्ड था जो एक दूसरे बॉडीगार्ड से लड़ रहा था। वहाँ से उसे भी स्क्रिप्ट उठाकर टोनी स्टार्क उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आता है, और जब एक एक करके लोग उससे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं तो वहाँ पर टोनी स्टार्क थोड़ा सा हेजिटेट होता है। तब वहाँ पर जेम्स रोड भी खड़ा होता है और वो टोनी को कहता है कि ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, जो भी है इन्हें सच बता दो। और इसी के साथ ही हमें वहाँ पर इस कहानी का सबसे लेजेंडरी सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर देता है और बताता है आई एम आयरन मैन। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के घर पर आते हैं और वो अपने आप को शील्ड का डायरेक्टर बताते हैं और वो टोनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एवेंजर इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। गाइस, आपको ये कहानी कैसे लगी, प्लीज मुझे लाइक